एक करोड़ नौकरियां देने की बात मिथ्या है और भारत को हर साल 50 लाख नौकरियों की जरूरत है। यह निष्कर्ष एक स्टडी का जिसे अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने तैयार किया। भल्ला ने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से मंगलवार को ही इस्तीफा दिया है। तो आइए जानते हैं यह मुद्दा है क्या, और आप देख रहे हैं rebellionvoice.com। भारत में रोजगार की परिदृश्य पर भल्ला की स्टडी जल्द ही प्रकाशित होगी। यह स्टडी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के हाल में किए गए उस दावे से मेल नहीं खाता जिसमें उन्होंने हर साल भारत में 1 करोड़ नौकरियों की जरूरत जताई थी। ये बयान मंगलवार को उस वक्त आया जब बीजेपी को विधानसभा चुनाव नतीजों में झटके सहने पड़े थे। विधानसभा के प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रोजगार सृजन के वादों को पूरा ना करने के लेकर जमकर प्रहार किए थे। भल्ला ने कहा, हमारे यहाँ रघुराम राजन जैसे विभिन्न लोग हैं जो कहते हैं कि भारत को हर साल 1 करोड़ 20 लाख नौकरियों की जरूरत है, लेकिन अतीत में सभी डेटा पर नज़र डालें तो इस दावे की पुष्टि करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलता है। भल्ला ने कहा, ऐसा एक भी साल नहीं रहा जब भारत को साल में 1 करोड़ नौकरियों की जरूरत रही हो। अगर लोगों की शैक्षणिक स्तर को देखा जाए तो भारत को हर साल 53 लाख नौकरियों की आवश्यकता है। भल्ला ने कहा, मोदी सरकार की ओर से लाए गए नोटबंदी, GST और दिवालियापन कानून को इतिहास में बड़े नीतिगत सुधारों के तौर पर दर्ज किया जाएगा। भल्ला ने काले धन और कर चोरी पर प्रहार करने के लिए नोटबंदी को बहुत अच्छी नीति बताया। भल्ला ने कहा कि सिर्फ शीर्ष के 30% लोग ही नाखुश महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। भल्ला ने कहा, जब नोटबंदी के अर्थव्यवस्था पर लाभ की बात होती है तो कांग्रेस कहती है कि हमने इसे खोजा था, लेकिन लगे हाथ इसकी आलोचना भी करती है। ये सब राजनीति के सिवा कुछ नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद से उर्जित पटेल के इस्तीफे को लेकर भल्ला ने कहा कि खींचतान बीते 2 साल से चल रही थी। भल्ला ने कहा, केंद्रीय बैंक और वित्त मंत्रालय में मतभेद आम बात है, इसमें मैं अर्थव्यवस्था में कोई बद इंतजामी नहीं देखता। उर्जित पटेल का आकलन देश के मौद्रिक प्रबंधन को लेकर ही होना चाहिए। भल्ला ने दावा किया कि ये उर्जित पटेल ही थे जो वित्त मंत्री से भी बात नहीं कर रहे थे। भल्ला का दावा उन आरोपों से उलट है जिसमें कहा जा रहा था कि सरकार अपने फैसले RBI पर थोप रही थी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजे पर भल्ला ने कहा, 2003 में इसी समय BJP ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। अगले साल लोकसभा चुनाव को समय से पहले कराया गया तो BJP हार गई। हमें देखने की जरूरत है कि विधानसभा चुनाव से राष्ट्रीय चुनाव के लिए कितना पढ़ा जा सकता है। भल्ला ने कहा कि मैं 2019 के लिए इन नतीजों से ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ता। BJP राज्य दर राज चुनाव 2014 से जीत रही है। BJP को 12 जीत मिली जबकि कांग्रेस का स्कोर 0 रहा। पार्टी को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से लाभ मिला। आज BJP हारी, लेकिन साथ ही कांग्रेस ने मिजोरम में हार का मुंह देखा। तो दोस्तों, ये था मुद्दा रोजगार से जुड़े हुए बात पर, जो पूर्व आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य सुरजीत भल्ला ने कहा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे नहीं। और अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको भी लगता है कि देश में सिर्फ 50 लाख नौकरियां ही ज़रूरत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।